नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल अशोक के ब्लॉग्स में। सो गाइस यार, आज मैं कोई भी यार ब्लॉगिंग व्लॉगिंग करने वाला नहीं हूँ। आज मैं यार K8 वायरलेस माइक का यार अनबॉक्सिंग और फुल रिव्यू देने वाला हूँ। आखिर ये यार कैसे काम करता है, कैसे क्या करता है, सब कुछ आप लोग को वीडियो में देखने को मिलेगा। बस यार वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप लोग को पूरा समझ में आएगा। इसे मैं पर्सनली यार अपने ब्लॉगिंग चैनल के लिए लाया हूँ। आखिर कैसे काम करता है वो तो अब यूज करने के बाद ही पता चलेगा। तो आप लोग को चलो सबसे पहले यार इसका देसी अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ, उसके बाद में इसका फुल डिटेल आप लोग को दिखाऊंगा। इसका क्वालिटी कैसे आता है कैसे नहीं, सब कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। और गाइज इसे मैं बता देना चाहूँगा, इसे मैं ऑनलाइन ख़रीदा हूँ मात्र 575 रुपये में। तो देखते हैं इसका वॉइस क्वालिटी कैसे आता है, कितना दूरी तक काम करता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइज इसका हम अनबॉक्सिंग करते हैं। तीसरे में एक बार पहले यार अनबॉक्सिंग कर लिया हूँ, तो एक बार और आप लोग को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक यहाँ पर यूजर मैनुअल दिया हुआ है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार ये भी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा है, ओप्पो वीवो और रियलमी फ़ोन इस्तेमाल करने वालों को हर बार K8 माइक चलाने से पहले अपने फ़ोन की सेटिंग में जाकर OTG ऑन करनी पड़ेगी। और यार 10 मिनट के बाद OTG अपने आप बंद हो जाता है। यार इससे अच्छा आप लोग एक ओपन कैमरा डाउनलोड कर लेना, उसके बाद में वहाँ पर एक सेटिंग में जाके एक्सटर्नल माइक को यार इनेबल कर देना है, उसके बाद में आपका झंझट ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर सब कुछ डिटेल दिया है, मैं मेंशन कर दूंगा वीडियो में, आप लोग देख लेंगे आराम से। और इधर हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसके साथ में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं माइक जो कि यार कॉलर में लगेगा, ये देख सकते हैं जो दिया हुआ है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर रिसीवर दिया हुआ है, जो कि मोबाइल में लगेगा हम लोग का डायरेक्टली। इसके अलावा गाइज यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ क्या दिया हुआ है। तो ये आप लोग देख सकते हैं केबल है चार्ज करने के लिए, चार्जिंग केबल टाइप सी का है गाइज, जिसे आप टाइप सी मोबाइल चलाते हैं तो आप लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पर यार आईफोन के लिए अलग से कोई भी पोर्ट उट दिया नहीं है, USB पोर्ट वगैरह, तो उसके लिए अलग से ख़रीदना पड़ेगा, उसके बाद ही मिलेगा। इसके अलावा गाइज यहाँ पर कुछ नहीं है, एक यूजर मैनुअल है जो किसी काम का नहीं होता है। ये देखिए गाइज यहाँ पर है पावर मेन बटन, इसके द्वारा ही यार ऑन ऑफ होता है। जब हम इसे प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गौर से लाइट जल रही होगी रेड कलर और ग्रीन कलर में। जब कनेक्ट हो जाता है तो एकदम यार एक ग्रीन हो जाता है, मतलब ग्रीन ही जलता है। और चार्ज इसको हम लटकाते हैं तो केवल यार रेड जलता है। तो चलो इसका टेस्टिंग करते हैं, अब टेस्टिंग का समय आ गया है। सो गाइज यार अभी आप लोग जो आवाज़ सुन रहे हैं वो विदाउट एनी माइक का है यार, कोई भी माइक यूज नहीं कर रहा हूँ अभी। तो आप लोग को क्वालिटी अब समझ में आ रहा होगा अभी कैसे आ रहा है वॉइस का क्वालिटी। एंड गाइज अभी इसको यूज करके मैं आप लोग को बताऊंगा कि इसको लगाने के बाद में यार कैसे आता है क्वालिटी इसका। और गाइज इससे पहले यार मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा, इसका यार रेंज 20 मीटर की है। तो 20 मीटर तक ये काम करता है या नहीं करता है इसका सब कुछ डिटेल जानेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे करता है कैसे नहीं। सो गाइज यार अभी जो आप लोग आवाज़ सुन रहे हैं वो माइक से हो रहा है रिकॉर्ड। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं कॉलर में लगाया हूँ माइक, तभी आप लोग को क्वालिटी कैसे आ रहा है एक बार कमेंट मेंट करके ज़रूर बताएं। अभी तो मेरे को पता नहीं चलेगा, बिकॉज यार मैं एडिट करूँगा जब वीडियो को, उसी समय मेरे को पता चलेगा कैसे आ रहा है कैसे नहीं। तो चलिए मैं इसका रेंज टेस्ट करके आप लोग को दिखाता हूँ, तभी मैं इधर जा रहा हूँ आगे बढ़ते बढ़ते। तो आप लोग बताइएगा कितना दूर तक यार कैच करता है लगभग। तो चलिए मैं इधर आगे बढ़ते जा रहा हूँ। जहाँ पर भी यार आवाज़ अगर आना बंद हो जाएगा, वहाँ पर आप लोग समझ जाइएगा कि अब माइक जो है कैच करना बंद कर दिया है। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं अभी मैं यहाँ तक यार लगभग 10 मीटर तो हो ही गया होगा, 10 मीटर तक यहाँ पर मैं आ गया हूँ। तो आप लोग को सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है मेरे को पता नहीं। तो चलिए और आगे मैं जाके दिखाता हूँ आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लगभग यार यहाँ पर अप्रोक्स यार 20 मीटर तो हो ही गया होगा, आई थिंक 20 मीटर हो गया होगा। तो आप लोग को आवाज़ सुनाई दे रहा है या नहीं है वो मेरे को पता नहीं है,
तो चलिए गाइज, अभी मैं उधर और जा रहा हूँ पास, तो आप लोग बताइएगा कहाँ तक आप लोग को सुनाई देता है आवाज़। तो चलिए इधर आगे बढ़ते जा रहा हूँ मैं। तो इसका क्वालिटी यार कैसे आता है आप लोग ज़रूर बताएं। और मात्र यार 500-600 के रेंज में आ जाता है वायरलेस माइक, तो एक यार मस्त माइक इससे अच्छा और क्या हो सकता है आप लोग सोच ही सकते हैं। अगर यार वायरलेस माइक की बात किया जाए तो यार ये बहुत ही रोड हो गया। और बोया भाई क्या क्या मतलब ब्रांडेड कंपनियां जो होता है सभी यार एकदम हाई कॉस्टली होता है, तो अगर इतना सस्ता में आप लोग को मिल जा रहा है ऐसा माइक तो यार एकदम वन ऑफ द बेस्ट यार वैल्यू ऑफ मनी। कोई भी यार वेस्ट ऑफ मनी आप लोग का होने वाला नहीं है, बिकॉज आप लोग तो जान ही रहे हैं। तो यार आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो यार दबा के एक लाइक तो फटाक से कर ही दे, अगर यार चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो यार अब से और ऐसा ही तगड़ा तगड़ा यार कंटेंट लाऊंगा मैं। अभी तो बस माइक खरीदा हूँ, अब देखना यार बहुत ही तगड़ा वाला कंटेंट आएगा और ब्लॉग व्लॉग सब कुछ आएगा। इसके अलावा गाइज एक्सपेरिमेंट वीडियो भी आएगा। एकदम जबरदस्त माइक है भाई, क्या ही बताऊं। अभी यार मैं वीडियो वीडियो शूट करने के बाद में यहाँ पर देखा तो क्वालिटी यार एकदम मस्त आ रहा है जिस हिसाब से इसका प्राइस वराइज है। और गाइज यहाँ पर यार मैं यहाँ पर चल के गया था, लगभग कितना मीटर होगा, 20 से कम ही था, तभी तो यार कैच कर रहा था यहाँ पर। तो आई थिंक यार एकदम मस्त वायरलेस माइक है, इसे आप खरीदना चाहते हैं तो ज़रूर खरीद लीजिए। इसका मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग जाके इसे परचेस कर सकते हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही, टेक केयर।